नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ज्योतिष वास्तु चैनल ABS में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वास्तविक जीवन में जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की लाश को देखता है तो उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ऐसे में सपने में लाश देखना भी किसी व्यक्ति के लिए और ज़्यादा डरावना और चिंतित करने वाला हो सकता है। दोस्तों, आमतौर पर लोग सपने में शव अर्थी लाश आदि देखे जाने को बहुत अशुभ मान लेते हैं, जबकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में दिखाई देने वाली लाश को काफी शुभ माना गया है। आइए दोस्तों ये जानते हैं कि स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में शव लाश अर्थी दिखाई देने के क्या शुभ अशुभ संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई भी बीमार व्यक्ति अपने सपने में अर्थी लाश या शव देखता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि वह व्यक्ति जल्द ही रोग मुक्त होकर दीर्घायु होगा। लेकिन अगर कोई बहुत समय से बीमार बहुत बूढ़ा व्यक्ति अगर यह सपना देखता है तो उसे आसानी से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, अगर आप सोते समय सपने में अपनी या दूसरे व्यक्ति की लाश शव या अर्थी को देखते हैं तो इस बहुत ही शुभ सपन का अर्थ यह है कि आने वाले समय में आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है और आपके जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि बढ़ने के साथ साथ आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। दोस्तों, सपन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने सपने में किसी मुर्दा घर में बहुत सारे अर्थी या लाशें देखते हैं या अपने सपने में लाशों का ढेर देख रहे हैं या किसी मुर्दे को द्वारा जिंदा हुआ देखते हैं तो इस शुभ सपनों का यह है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बीमारी खत्म हो जाएगी और आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और आपके जीवन में धन बढ़ने के साथ साथ खुशहाली बढ़ सकती है। दोस्तों, सपन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने सपने में कोई सिर कटी लाश देखते हैं या आपको सपने में किसी भी लाश से आवाज सुनाई दे रही है तो इस अशुभ सपने का संकेत यह है कि आने वाले समय में आपके जीवन में काम बिगड़ने से मुश्किलें आ सकती हैं, आपका किसी से झगड़ा हो सकता है और आपको धनहानि हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी सही लगे तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। जय हिंद। जय भारत। आपका समय शुभ रहे।